हाँ हो गया ना। ठीक है, तो अंकिता लोखंडे का इंटरव्यू लेंगे अपन। अरे मुझे पता है बड़ा नाम नहीं है, बट क्या है ना, थोड़ा सा मेरी थोड़ी सी मित्रता है, तो थोड़ा सा क्या करना है हमें, बहुत ज़्यादा पब्लिक उनको पसंद नहीं कर रही है ना, क्यों? अरे यार तुम्हें तो पता है कि बॉलीवुड वाली है, इनकी क्या असलियत होती है ना, बेचारों का कोई स्टैंडर्ड नहीं होता, ये कहीं पे भी झूठ बोल जाते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं, सिंपैथी रोना धोना तो इन्हें आता ही, तो वो वाला थोड़ा सा उसने काम कर दिया, तो इस वजह से उसका थोड़ा सा इंटरव्यू लेके उसकी छवि सुधारनी, और कुछ नहीं करना। तो यार ऐसा है कि देख, अपन इंटरव्यू में क्या करने वाले हैं, नॉर्मली क्या करना है कि ऐसे वैसे बातें करनी है, वो थोड़ा सा नाटक करेगी, थोड़ा सा ये बोलेगी, मतलब देखो क्या है, उसको ये छवि सुधारनी है, तो वो ये नाटक बार बार करेगी, बोलेगी कि मैं, मेरे को किसी से वो नहीं है, मैं किसी का बुरा नहीं करती। और हम देखो टारगेट क्या करेंगे, देखो सुशांत जीवित नहीं है, हम सब जानते हैं ना, मर्डर हुआ है, लेकिन हम क्या है, थ्योरी थोड़ा ऐसे ही डालेंगे कि सुसाइड है ना। तो देखो ये सिंपल है कि सारा ब्लेम हम डाल देंगे सुशांत पे, अब वो गवाही देने तो आएगा नहीं, ऑब्वियस ही बात है। तो अंकिता लोखंडे को ऐसे स्क्रिप्ट थमा देना सिंपल, कि वो बार बार ये बोलती रहे कि भाई ये सुशांत की गलती थी, सुशांत ने मुझे छोड़ दिया, सुशांत ने मुझे छोड़ दिया। अपन डायरेक्ट सुशांत की गलती नहीं बोलेंगे, ये समझना, पब्लिक बेटा हम पे गाली मारेगी, हमको मारेगी, तो हमें भी स्मार्टली खेलना है कि डायरेक्ट हम सुशांत को वो नहीं देंगे, ब्लेम नहीं करेंगे, हम इनडायरेक्टली करेंगे कि अंकिता अपना भैया दर्द बयां कर रही है, ये समझ रहे हो, बॉलीवुड की पिक्चर ऐसे वैसे 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 बैठेंगे। तो अंकिता लोखंडे अपना दर्द बयां करेगी यहाँ पे, वो ऐसे बताएगी कि भाई सुशांत मुझे छोड़ के चला गया, वो अब देखो वो कैरियर के पीछे पागल था सुशांत, हो गई ना सुशांत की बेइज्जती, ऐसे करना है हमें कि सुशांत की बेइज्जती हो जाए क्योंकि वो स्वार्थी था, ये हम प्रूव कर देंगे, और वो आएगा नहीं गवाही देने की असलियत क्या है ना। तो ये चीज़ करनी है और कुछ नहीं करना। अंकिता लोखंडे बार बार ये बोलती रहेगी कि मैं किसी का बुरा नहीं चाहती, बुरा नहीं चाहती, जिससे पब्लिक नेगेटिव अंकिता को ना समझ ले, लेकिन वो नेगेटिविटी उगलेगी पूरे इंटरव्यू में, समझ गए? तो ये तुझे ऐसे इंटरव्यू लेना है, देख बहुत अच्छे से लेना, ज़्यादा दिक्कत नहीं है, उस वो नेगेटिव ही उगलेगी, तुझे बस उसकी हाँ में हाँ निकालनी है, और पूरा का पूरा वीडियो ऐसे हो जाना चाहिए कि अंकिता लोखंडे यहाँ पे विक्टिम है बहुत बुरी वाली, और ये नेगेटिविटी तब भी नहीं उगल रही, किसी का बुरा नहीं कह रही है, किसी के बारे में बुरा नहीं बोल रही, लेकिन पूरे वीडियो में ये सुशांत और सुशांत के फैंस के बारे में बुरा 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 बुराई बोलेगी। हाँ सुन, वो झूठ बोलेगी, डिप्रेशन में चली गई थी, ये सब है ना, ये दिखाने की कोशिश करेगी, वो अपनी नाकामयाबी के कारण, ये सारी चीज़ें सही है, टैलेंटेड एक्ट्रेस नहीं रही, कुछ नहीं रही, वो अलग चीज़ है, बट वो अपनी नाकामयाबी की वजह से सारी चीज़ें सहने के बाद क्या होती है, ये सुशांत के ऊपर ब्लेम कर देगी। ठीक है, विक्की कौशल, हाँ नहीं सॉरी, विक्की कौशल बोल दिया, विक्की जैन, ठीक है, तो तू वहाँ पे गलती मत कर देना, क्योंकि उसका मंगेतर विक्की कौशल नहीं, विक्की जैन है, तो विक्की जैन की वो बात करेगी, ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि जब सुशांत की बात चल रही है तो पब्लिक उसको उसकी उस उसके ऊपर भी कर रही थी, उसकी छवि सुधारनी है ना, तो देख जब वो विक्की जैन की बात करे तो वो क्लियर वहाँ पे इंडिकेट देगी कि सुशांत का ब्रेकअप हो गया था और उसके बाद वो उससे मिली। क्या तुझे तुझे तू तू ज़्यादा बोलेगा क्या? नहीं देख, वो अलग बात है, वो 2014 में उस विक्की जैन के साथ जो भी कर रही थी वो अलग बात है, उससे तेरे को क्या लेना देना कि वो उसके साथ फोटोज कैसी खिंचवा रही थी, क्या खिंचवा रही थी विक्की जैन के साथ, जब सुशांत के साथ रिलेशन में थी, वो विक्की जैन से मिलती थी। लेकिन देख इंटरव्यू में वो ये झूठ जरूर बोलेगी कि विक्की जैन से मैं तब मिलती हूँ जब सुशांत सिंह राजपूत के बाद मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, सुशांत मुझे छोड़ के चला जाता है अपने करियर के पीछे, और उसके बाद मैं विक्की जैन से मिलूंगी, समझ गया? ये हमारी पूरी की पूरी एक ऐसे है, ये गलती से मत बोल देना 2014 में तू मिली, तुम आप उनके साथ थी, तेरे को यहाँ पे मीडिया वाला जर्नलिज्म नहीं चलाना है भैया, दलाली करनी है हमें, हम दलाली करने के लिए बैठे हैं, अंकिता लोखंडे जैसे नहीं है, चलो ठीक है कोई टैलेंट नहीं है, बट भैया हमें रोटी खाने के लिए टुकड़े तो दे रहे हैं ना पैसों के, तो भैया दलाली करो सिर्फ और सिर्फ, है ना, दिमाग मत लगाओ अपना जर्नलिज्म वाला, ठीक है? तो 2014 वाली बात मत ले आना कि कैसे वो विक्की के साथ थी और सुशांत सिंह राजपूत के साथ रिलेशन में थी, धोखा उसको उसने दिया है, और ये बात तो तू जब इतना जर्नलिज्म की बात कर रहे, गलती तो बिल्कुल मत कर देना कि रिपब्लिक, तो क्योंकि तेरा कोई भरोसा नहीं है इसलिए तेरे को याद दिला रहा हूँ कि तू बोल दे कि रिपब्लिक के इंटरव्यू देने गई थी जब वहाँ पे, तो जब वो तो देख अपन को तो पता है नाटक था उसका, लेकिन ये पब्लिक को नहीं पता है और पता भी नहीं लगना चाहिए, तो वहाँ पे जब वो नाटक कर रही थी तो उसने जब बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा बोला था, तो दिशा सल्यान की बात आई थी तो उसने झूठ बोला कि वो जानती थी, अच्छे से उसकी मित्रता है दिशा सल्यान के साथ, उसकी फोटोज हैं, उसने झूठ बोला कि वो दिशा को नहीं जानती। डिड यू नो दिशा
his who used to be his manager, Disha Salian. Who, sir? Disha Salian. You know, no, sir. You didn't no, know. Sir. You didn't. I don't because, know. Because Ankita, 1 week before Sushant, 4, 5, 6 days before Sushant died, Disha Salian had a suspicious death. She fell off a high-rise building in Malad. Sushant put out a tweet. And Sushant says, it is such devastating news. And their lawyer says that he was very worried about it. That's why I'm asking you, you know, I don't think someone who would be devastated at someone else's suicide okay. would... Okay, so because... Yeah. Because he was a very emotional kind of a guy, sir. I'm sure, वो सर उसके घर के लड़कों के लिए भी worried हो सकता है, जो उसके लिए काम करते हैं वो उनके लिए भी worried हो सकता है सर। तो इस बारे में देख बिल्कुल बात नहीं, क्योंकि उसने बिल्कुल मना कर दिया कि नहीं, ये यहाँ पे मैं expose वापस नहीं होना चाहती। इसकी अपन को छवि सुधारनी है, और यहाँ पे सुशांत के फैंस के ऊपर हम पूरा का पूरा आरोप लगाएंगे कि वो कितने घटिया हैं। अब देख यहाँ पे हम स्मार्टली खेलेंगे, हम बहुत स्मार्ट हैं। हम ऐसे खेलेंगे कि सुशांत के असली फैन जो है वो अंकिता को पसंद करते हैं। देख मेरा मेरा दिमाग देख रहा है तू? हम सुशांत के फैंस को गाली भी नहीं दे रहे लेकिन दे भी रहे। सुशांत के असली फैंस जो हैं वो अंकिता को पसंद करते हैं, और जो सुशांत के फर्जी फैंस हैं वो अंकिता को गाली दे रहे हैं। हमने क्या किया? जो सुशांत के लिए मर्डर वाले हैं वो सारे फर्जी हैं, जो सुशांत के मर्डर वाले के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो सारे फर्जी हैं, और जो सुशांत की भैया अबेटमेंट ऑफ सुसाइड इन पे अटके हुए हैं वो सारे रियल हैं। ठीक है, तो वो अंकिता को प्यार करते हैं, तो जो अंकिता को जो प्यार करते हैं वही भैया सुशांत के असली फैंस हैं, और जो उसे पसंद करते हैं वो सुशांत के गद्दार फैंस हैं। तो ये हमें इस तरह से करना है। तो कल को भैया हमें कोई गाली देने आएगा तो हम ये नीचे लिख तो सकते हैं कि वो सुशांत के फैंस के लिए नहीं बोल रही, ये उन लोगों के लिए बोल रही है जो सुशांत का नाम खराब कर रहे हैं। ठीक है, हम बहुत स्मार्ट हैं, तो ऐसा हमें करना है। ठीक है, तो मैं बात कर लूँ जनता से, तेरे को समझ में आ गया, तू जाके अंकिता लोखंडे का वीडियो ले ले जिससे ऑडियंस देख ले, जब तक मैं अपनी ऑडियंस से बात कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, डन है, ओके ओके बाय। तो दोस्तों कुछ ऐसा ही डीलिंग हुई है बिहाइंड द कैमरा, जिसके अंदर अंकिता लोखंडे का भैया प्रचार किया गया। अंकिता लोखंडे आती है, ये कोशिश करती है, जैसे कि आप समझ गए कि वो विक्टिम है, विक्टिम है, विक्टिम है, उसने सबसे ज़्यादा मानसिक पीड़ा झेली है। सुशांत भैया उसको छोड़ के चले जाता है, अपने कैरियर के पीछे स्वार्थी सुशांत सिंह राजपूत था, लेकिन अंकिता लोखंडे बहुत दूध की धुली ऐसी रही जो विक्की जैन के बाद विक्की जैन से 2014 में नहीं मिली, जबकि फोटोज कुछ और दर्शाती है, लेकिन भाई वो ये इंटरव्यू में बोल रही है कि विक्की जैन से मैं तब मिलती हूँ जब सुशांत मुझे छोड़ देता है, मैं डिमोटिवेट हो जाती हूँ और मुझे लगता है कि भाई अब मेरे जीवन में कुछ नहीं है, तब मेरे को मेरी लाइफ में विक्की जैन आता है और मैं उसके साथ मूव ऑन करती हूँ। गंभीर है कि एक लड़की कितनी बड़ी झूठी हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत जो भैया दिल से किसी को प्यार करते थे, अब देखो सिंपल सी चीज़ है, अंकिता लोखंडे के लिए झूठ बोलना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि सुशांत अपनी बेगुनाही नहीं साबित कर सकते। अंकिता लोखंडे के लिए ये बोलना भी बहुत आसान है, वो कल को ये बोलती भी आ जाएगी भाई तुम कौन होते हो, मतलब मेरे को ऑब्वियस सी बात है तुम कौन होते हो बोलने वाले, तुम्हें थोड़ी पता है सुशांत और मेरे बीच में क्या हुआ था। और अंकिता लोखंडे के फैंस भी यही रोते हुए आएंगे कि तुझे थोड़ी पता है उनके बीच में क्या था, अंकिता सच बोल रही है। तो यहाँ पे भैया मत मेरा ये है भैया मेरे को नहीं पता, बट साक्ष्य कुछ और दर्शाते हैं कि अंकिता लोखंडे झूठी है। अंकिता लोखंडे भैया दिशा सल्यान को जानती है, उसने झूठ बोला रिपब्लिक पे ऑन कैमरा। सुशांत की मौत को भैया एंटरटेनमेंट बनाने की उसने कोशिश की है, क्योंकि एंटरटेनमेंट नहीं बना रही होती तो वहाँ पे झूठ नहीं बोल रही होती टीवी पे बैठ के कि दिशा को नहीं जानती हूँ, वहाँ पे सच बोल रही होती। जहाँ पे सीबीआई चल रही है सुशांत के केस में, वहाँ पे आप झूठ झूठ बोल रहे हो, आप इसको गंभीरता को समझो। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, यहाँ पे अंकिता लोखंडे झूठ बोल रही है, ठीक है, दिशा सल्यान को लेके। तो इसी चीज़ से क्लियरली समझ में आता जाता है विक्की जैन से भैया 2014 में मिली, उसके बाद इसको झूठ बोल रही है। संदीप सिंह के साथ ये पार्टी कर रही है, उस संदीप सिंह के साथ जो सुशांत के केस में खुद झूठ बोल रहा है। अब आप बोलोगे संदीप सिंह ने कब झूठ बोला, तो इसके ऊपर मेरे बहुत से वीडियोज़ हैं जिसमें संदीप सिंह सबसे बड़ा झूठ तो उसका यही है ऑन रिकॉर्ड टीवी पे, जब वो ये बोल जाता है कि भैया मेरे को बाहर ही रोक दिया था पुलिस ने और मेरे को ऊपर नहीं जाने दिया, तो मैं सुशांत का रूम नहीं देख पाया जहाँ पे उनकी डेड बॉडी थी। ये आज तक पे बोलता है ये संदीप सिंह, और रिपब्लिक पे संदीप सिंह बोलता है कि भाई मैं ऊपर था, डेड बॉडी मेरे सामने थी और मैं गेट पे खड़ा था। ये दो विरोधाभास, इतने बड़े झूठ बोल जाता है संदीप, जिसकी तो भैया कोई वो ही नहीं है, मतलब इसको तो कोई सुलझा ही नहीं सकता। अतुल्य और बहुत सी बहुमूल्य और पता नहीं क्या क्या है, मैं क्या बताऊँ। तो ऐसे संदीप सिंह का साथ देती अंकिता लोखंडे, ये है प्यार, ये है भैया। जब ये झूठ कह रही है कि मेरे से तो आरआईपी नहीं लिखा जाता, भैया लिखना भी नहीं चाहिए,
आरआईपी लिखना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे भैया हिंदू धर्म में है सुशांत सिंह राजपूत, तो वहां पे जलाया जाता है, अग्नि दी जाती है, और कहा जाता है भैया आत्मा है, आगे जाएगी, अमर है, तो ये सारी चीजें हैं समझने वाली, ठीक है। लेकिन अंकिता लोखंडे जी का तो कहाँ बुद्धि, ये तो मूर्ख लोग हैं, इनको कुछ नहीं है, ये तो अपने स्वार्थी लोग हैं। ये क्या करते हैं, ये अपना सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ देखते हैं, इनको कोई मतलब नहीं है सुशांत से, सुशांत के प्यार से, सुशांत के अच्छे से। वो गया, अब ये अपनी दुकान चलाने, अपना लोभ देखने आ गई हैं। अंकिता लोखंडे जी ऐसी हैं, बहुत गलत बात है। अगर ये लोग सही में सुशांत से प्यार करते तो आज हमारे जैसे बात उठा रहे होते, बोल रहे होते गलत के खिलाफ, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, तो सबसे ज़्यादा प्यार है ना इनके, प्रिय हैं, नज़दीकी हैं, तब जाके इतने धूर्त हैं, भ्रष्ट है, ठीक है। तो यार गाइस, इस वीडियो में इतना ही है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अंकिता लोखंडे का, क्योंकि दिस इज़ द रियल फेस ऑफ मिस अंकिता लोखंडे, और जो बात करती है, मैंने तो सपना देखा था सुशांत से शादी करने के लिए और इस कारण मैंने अपना भैया करियर तबाह कर दिया, झूठ, सिर्फ और सिर्फ झूठ। तो यार इस वीडियो को शेयर करो ज़्यादा से ज़्यादा, आई होप कि आपको पसंद आया होगा, और कुछ ऐसा ही होता है, आपको मैं सच बात बताऊं, क्योंकि मैं खुद मीडिया लाइन से हूं, तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कुछ बिहाइंड द सीन, जो टैक्टिक्स जो डिसाइड होता है कि क्या कंटेंट जाएगा, वो ऐसे ही होता है बंद कमरे में, ठीक है। मैंने देखे हैं बहुत से इंटरव्यू के पीछे, जब मीटिंग होती है, हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, हम आपसे ये करेंगे, और इस तरह से रहेगा, और सारी चीज़ें पहले से ही डिसाइड हो जाती है। तो ये पीआर का काम करता है मीडिया चैनल, जो कि हम अंकिता लोखंडे के इंटरव्यू में देख चुके हैं। तो गाइज शेयर कर दो, फिर से कहूंगा, आप मेरे को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, वहां पे मुझसे जुड़ सकते हो, जो मेरा यूजर नेम है स्क्रीन पे दिख जाएगा। जय हिंद।